नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है 6.1 का 22। ये 6 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 60 एंड बी इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट। क्या हमें प्रूव करना है कि कोट ए माइनस बी इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए। तो देखिए, कोट ए की वैल्यू हमें दे रखी है 60 माइनस बी की वैल्यू रखिए 30, कोट ए 60, कोट बी 30 प्लस का 1 अपॉन में हमारे पास में दे रखा है कोट बी। तो कोट बी 30 माइनस कोट 60, क्लियर। अब देखिए, इधर को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोट 30, इस साइड वैल्यू पुट करते जाते हैं कोट 60, कोट 60 की हमारे पास में वैल्यू होती है 1/√3, 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस का 1 अपॉन में कोट 30 हमारे पास में हो गया √3 माइनस 1/√3 जो 60 की वैल्यू होती है। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 अपॉन में नीचे बच जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा √3, ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब ऊपर तो हो गया हमारे पास में 2, नीचे हो गया 3 माइनस 1, तो 2 अपॉन में √3, ये चला जाएगा √3 ऊपर और ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से तो 1/1 बचेगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल बच जाएगी वैल्यू √3। इस साइड देखें तो कोट 30 की वैल्यू होती है √3, मतलब हमारे पास में √3 इक्वल टू √3, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ गई, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था।